नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लंबे समय से जिस चीज़ का इंतजार हो रहा था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार में MLC चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हम आपको आगे इस खबर में बताने जा रहे हैं कि आखिरकार मतदान जो है वो किस दिन होने वाला है, काउंटिंग किस दिन होगी। हम आपको 2400 सीटों के डिटेल भी बताने जा रहे हैं कि किन किन सीटों के लिए इस बार चुनाव जो है वो होने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार विधान परिषद चुनावों की जो घोषणा है वो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन शेड्यूल का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था पार्टियों की ओर से कि आखिरकार कौन सी तारीख तय की जाती है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 24 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव 4 अप्रैल को जो है इसके लिए मतदान होगा और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी। 19 मार्च तक नाम वापसी की जो तिथि है वो रखी गई है, यानी कि जब से आप नॉमिनेशन करेंगे उसके बाद आपको 19 मार्च तक का समय दिया जाएगा, आप तब तक नाम वापसी ले सकते हैं। इसके अलावे अप्रैल में 4 तारीख को मतदान होने जा रहा है और 7 अप्रैल को काउंटिंग हो जाएगी। 7 अप्रैल को पता चल जाएगा कि कौन सी सीट से कौन जीत कर आए हैं। स्थानीय प्राधिकार का ये चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 24 सीटों पर MLC के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। हम आपको एक एक कर उन सीटों के नाम भी बता देते हैं जिनमें पटना स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र है, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर और बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, रोहतास, कैमूर, इसके बाद सारण, सिवान, पश्चिम चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, बेगूसराय, खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, भागलपुर, बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, मधुबनी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, कटिहार और गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग होने जा रही है। कुल मिलाकर 24 सीटों पर MLC के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं। इसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, 4 अप्रैल को वोटिंग होगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होने जा रही है और साथ ही साथ नाम वापसी की जो तारीख है वो 19 मार्च की रखी गई है। आपको बता दें कि MLC चुनाव में हालांकि स्पष्ट तौर पर पार्टियां काम नहीं करती है, पार्टी का कोई सिंबल काम नहीं करता है, लेकिन बैकडोर से पार्टियों का पूरा सपोर्ट रहता है कैंडिडेट्स को और इसको लेकर बिहार की तमाम पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है। राजद ने तो नामों का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावे NDA में भी बंटवारा हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। कांग्रेस ने भी लगभग सब कुछ तय ही कर लिया है, तमाम पार्टियां तैयार है, बस इंतजार किया जा रहा था कि तारीख कब की होती है। तो 4 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है और 7 अप्रैल को पता चल जाएगा कि MLC की 24 सीटों पर अलग अलग स्थानीय प्राधिकार क्षेत्रों से कौन विराजमान होने वाला है। आगे तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें Twitter पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।